दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल रेलवे कॉरिडोर के लिए काम कर रही कंपनी आईआईटी जीएनएल की ग्रेटर नोएडा में महत्वपूर्ण परियोजना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया गया। इसकी डीपीआर तैयार हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने शनिवार को परियोजना रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब जल्दी यहां पर काम शुरू होगा, जिसकी बदौलत यहां एक ही पॉइंट पर लोगों को रेल, अंतर्राज्यीय और लोकल बस व मेट्रो सेवा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भारत सरकार के सहयोग से बुड़ाकी के आसपास 7 गांवों की 478 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। यहां मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना तैयार की है। इन दोनों परियोजनाओं पर भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तहत 3 अहम परियोजनाएं हैं। इनमें बुड़ाकी के पास एक इंटरनेशनल फैसिलिटी वाला रेलवे टर्मिनल बनेगा। ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास रहने वालों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनें यहीं से मिलेंगी। अब यहां के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सुपर फास्ट ट्रेनें यहां ठहर कर चलेंगी। ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि इस रेलवे टर्मिनल को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल में इसके बनने के बाद पूर्व की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनें यहीं से चलेंगी। ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने बताया कि बुड़ाकी के पास अंतर्राज्यीय और लोकल बस अड्डा भी बनाया जाएगा। यह दूसरी परियोजना है। इस बस अड्डे से अंतर्राज्यीय और लोकल बस संचालित होंगी। इसके बन जाने से उद्योगों में काम करने वाले लोगों के लिए दूर दराज के साथ ही लोकल कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यहां पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए लोकल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और मध्य प्रदेश के लिए भी बसें इस स्थान से मिलेंगी। करीब करीब 500 किलोमीटर के दायरे तक यहां से बसों का संचालन किया जाएगा। इसे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा विकसित की जाएगी। यह तीसरी परियोजना है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाले डिपो स्टेशन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक एक्वा लाइन मेट्रो जाएगी। मौजूदा डिपो स्टेशन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक करीब 3 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और बनेगी। दूसरी ओर लॉजिस्टिक हब से माल ढुलाई की राह आसान हो जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के उद्योगों की जरूरत को देखते हुए यह परियोजना बेहद खास है। मुंबई, बिहार, बंगाल और गुजरात तक माल पहुंचाने में अभी 4-5 दिन का वक्त लगता है। इसके शुरू होने के बाद माल 1.5 दिन में पहुंच सकेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।